हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी ए सो भाई आज हम बात करने वाले एस एन यूनिवर्सिटी के बारे में इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे गाइस पहले मैं बता दूं हम यहां बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ so, एजुकेशन को लेकर सो एस एन यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑलमोस्ट टू प्लस प्रोग्राम्स ऑफर करती है

कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो इनसे एफिलेटेड है एंड इवन उनके क्या सीट इंटेक है क्या फीस स्ट्रक्चर या हो सकती है एंड प्लेसमेंट स्टैट्स क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखो गाइज बीएड करना है टीचर बनना है आफ्टरऑल ये टू ईयर्स क्या वर्थ इट है टू बिकम अ टीचर क्या स्कोप है करियर स्कोप क्या है रिसेंट वैल्यू क्या कहती है विद रिस्पेक्ट टू द बी एड उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा काइंडली वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो और उसके बाद गाइज डिसाइड कर लो कि हमें बी करना है और वो भी एक टॉप इंस्टीट्यूट से सो so गाइज सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बिफोर मूंग फर्द न्यू बै स्टार्टिंग एट बी एड उन्टी का प्रिपरेशन करना चाहते हो देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद आप हमारे क्लासरूम लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट आप हमारे साथ ऑनलाइन लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हो क्लासरूम लेक्चर्स के लिए विजिटर्स घाटकोर दादर एंड डोमलीफ यू आर मुंबई बेस्ड और अपने सारे डाउट सॉल्व कर लो गाइज जो भी आपके क्वेरीज हैं आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूंगा एंड इवन यू यू कैन कैन आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन गेट रिकॉर्डेड टेस्ट टेस्ट सीरीज मॉक डाउट क्लास मेंटरशिप गाइडेंस थ्रू आउट द प्रोसेस कैपराउंड कैसे होने वाला है मोटिवेशन एंड देर विल बी सेपरेट बैच एंड गाइज नॉट ऑनली इन इंग्लिश लेकिन आपको यहाँ प्रिपरेशन मिलने वाला है आपके रीजनल लैंग्वेज इन मराठी मित्रो तुम्हें खरा एक मराठी मे आता तुम्हारा प्रिपरेशन भेटना है आप मराठी के जो रेकॉर्डेड लेक्चर के पैकेजेस है उनका भी एक्सेस ले सकते हो सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते देरी बिल्कुल नहीं करनी है एस एनडीटी विमेन्स यूनिवर्सिटी श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर सिंह विमेन्स यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड वन ऑफ द इंस्टीट्यूट विच इज एक्रेडिटेड ए ग्रेड बाय नैक The SNDT Women's University, first women's university in India as well as Agarma in Southeast Asia, which is established in 1916, founded by the Maharshi Dr. Dundo Keshav Karve.

गर्ल्स कैंडिडेट के लिए पढ़ाई करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी लेकिन अब वो सीनारियो नहीं है आप अपनी पावर शो कर सकते हो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट टारगेट करके जो यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है वो चर्च गेट में है मुंबई में एंड द अदर टू कैंपसेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आर एट आर एट जूहू मुंबई एंड द करवे रोड पुणे और जो एक थर्ड ऑफ कैंपस आया इनका वो आया श्रीवर्धन रायगढ़ में ओके okay, हालांकि वो रायगढ़ वाला जो कैंपस है वो बीएड का प्रोग्राम ऑफर नहीं करता लेकिन फिर भी बीसीए एंड बीकॉम को लेकर आप उसे टारगेट जरूर कर सकते हो सो so, भी अमेजिंग यूनिवर्सिटी है फर्स्ट वुमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया अगर मैं इनकी रैंकिंग की बात करूं फोर्थ इन द वेस्टर्न इंडिया एंड थर्टी सेकंड इन द मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी जो आपको बी का प्रोग्राम ऑफर करती है हंड्रेड प्लस ईयर्स ऑफ एजुकेशन फोर कैंपसेस थर्टी नाइन डिपार्टमेंट्स थर्टीन इंस्टीट्यूशन टू सिक्सटी वन एफिलियेटेड कॉलेजेस जो आपको हर एक स्टेट में मिलेगी नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट इन गोवा इवन इन असम एंड अदर स्टेट्स ऑटोनॉमस कॉलेजेस एंड नाइन रेकोग्नाइज इंस्टीट्यूट सो गाइज ओवरऑल अब बात करते कैंपस को लेकर सो so, हम बात कर रहे हैं इनके बी एड प्रोग्राम को लेकर एंड इवन अगर आप एमएड करना चाहते हो तो भी आप इसे टारगेट कर सकते हो हमारा फोकस होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र बीएडसीटी एंड ई एल सीटी के थ्रू इसे टारगेट करने की राइट सो ओवरऑल टू फिफ्टी प्लस प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं जो चार कैंपसेस है इनके चर्च गेट जूहू पुणे एंड श्रीवर्धन एट रायगढ़ द मोस्ट फेमस कॉलेज The College of Education for Women's, ये एक university department है है, का, ठीक काफी पहले 1951 से इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे टू ऑफर द बी एड जो कि काफी फुल फ्लेज में चला इन मराठी एंड इन गुजराती लैंग्वेज द आफ्टर पुणे एसएनडीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्षि करवे विद्या विहार करवे रोड जो जुहू का कैंपस है ये आपको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करता है और बीएड में मैंने अब तक देखा है कि काफी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पेशल एजुकेशन को चूज करते हैं गाइस आपको इनकी जो वैल्यू है वो शायद पता नहीं है मैं इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि स्पेशल एजुकेशन में क्या करियर स्कोप है अगर आपका भी एम है कि भाई हाँ मुझे स्पेशल एजुकेशन में बीएड करना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना यहाँ आप लर्निंग डिजेबिलिटी जिसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी विजुअली इंपेयर इन सारे स्पेशलाइजेशन में आप बी कर सकते हो और गवर्नमेंट की काफी सारी वैकेंसी आती है हर साल इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अभी भी 6000 से लेकर 7000 तक सीट जो है वो वैकेंट है इन स्पेशल एजुकेशन को लेकर सो so, आप अपना करियर यहां भी बना सकते हो अगर बी करना ही है तो मैं भी एक बार और कहूंगा कि आपका अगर इंटरेस्ट है स्पेशल एजुकेशन को जरूर चूज करिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इनकी फैसिलिटीज को लेकर बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली गर्ल्स कॉलेजेस वो सारी गर्ल्स जो सोचती है कि भाई मुझे टॉप कॉलेज मिले लेकिन वो काफी दूर है सो so, ऐसी अगर आपकी कुछ कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप विमेंस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो सच एज दी एस यूनिवर्सिटी और इनकी बहुत सारी कॉलेजेस है मैं इन डिटेल बताऊंगा आपको टॉप टायर सिटी में आपको पूरा एक्सपोजर मिलने वाला है कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं है कि भाई वो सिटी के अंदर नहीं है सो ओवरऑल टॉप टायर सिटी में है तो आपको बेस्ट कनेक्टिविटी भी वहां मिलेगी यूनिवर्सिटी हॉस्टल है ऑडिटोरियम की फैसिलिटीज है नर्सरी एंड स्पेशल स्कूल्स है सो so भाई इंटर्नशिप का कोई पंगा ही नहीं है कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ कॉलेज है वही स्कूल है वही स्कूल में आपको इंटर्नशिप करनी है काउंसलिंग सेंटर फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ कैफेटेरिया हेल्थ केयर कंज्यूमर स्टोर हर्बल गार्डन महर्षि करवे सेमिनार कॉम्प्लेक्स बी नॉलेज रिसोर्स सेंटर एंड सर सीताराम एंड लेडी शांताबाई पाटकर दीक्षांत सभाग्रह सो भाई ओवरऑल काफी अच्छी आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है हर एक पर्टिकुलर कॉलेज में फैसिलिटीज अलग है मैं यहां बात कर रहा हूं एसएनडीटी कॉलेज को लेकर खासकर हेडक्वार्टर जो कि चर्च गेट में सिचुएटेड है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस है जो आप टारगेट कर सकते हो उनके क्या सीट है क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकती है और आपको कॉलेज आपकी रिस्पेक्टिव सिटी में मिलने वाली है या नहीं सो so, कॉलेजेस भाई हर एक सिटी में आपको कॉलेज मिलने वाली है मुंबई पुणे नासिक नागपुर सोलापुर सांगली बुल्ढाना बीड वाशिम धुले जलगांव परभणी अमरावती अहमदनगर ठाणे सातारा नंदुरबार औरंगाबाद यवतमाल हर एक सिटी से आपको कॉलेजेस मिलने वाली है सो so, कौन से टॉप कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो उसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है जहां मैंने उनके सीट इंटेक एंड कट ऑफ को लेकर भी बात की है तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को और यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस मिलेगी यहाँ आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी मिलेंगे यहां आपको अनएडेड कॉलेजेस भी मिलेगी यहां आपको एडेड कॉलेजेस भी मिलेगी अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस भी मिलेगी एंड इवन यूनिवर्सिटी मैनेज अनएडेड कॉलेजेस भी मिलेगी सो so भाई वो कौन कौन सी कॉलेजेस है सो so गाइज अगर आप यूनिवर्सिटी मैनेज एडेड कॉलेजेस ढूंढ रहे हो ये एडेड कॉलेज डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटी के दैट मीनस इनकी फीस बड़ी कम होती है देखो फीस वेरी करती है हर एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर उनकी फैसिलिटीज को लेकर उनके डेवलपमेंट फीस को लेकर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां देख सकते हो कि भाई इनकी फी स्ट्रक्चर क्या है लेकिन मैं एक आपको रफ फिगर देने वाला हूं कि क्या फी स्ट्रक्चर इनकी होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इनके लिए आप जा सकते हो पीवीडीटी बहुत अमेजिंग कॉलेज है जरूर इसे टारगेट कीजिएगा दि प्रेम कुंवर विठल दास दामोदर ठाकर सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन एस कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे जो करवे रोड में सिचुएटेड है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसाबिलिटी अगर आप जूहू कैंपस को टारगेट कर रहे हो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट अगेन जूह कैंपस सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टारगेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी मैनेज कॉलेजेस को होना चाहिए दे आफ्टर आप ट्राई कर सकते हो कुछ अनएडिड माइनॉरिटी कॉलेजेस एज द आईशा भाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन अंबूभा अलाना बी एड कॉलेज एट औरंगाबाद अशोका इंटरनेशनल सेंटर नासिक काफी फेमस है सेंट्रल इंडिया नागपुर को लेकर बहुत अमेजिंग कॉलेज है गाइज एंड लेट छाबूताई था दहा के कॉलेज एट वाशिम सो so, कौन से टॉप कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए भी अपनी रिस्पेक्टिव सिटी की टॉप कॉलेज टारगेट कीजिए एंड इवन अगर आप टॉप टायर सिटीज के लिए जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस है सो so, जरूर इसे टारगेट कीजिएगा उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कुछ अनएडेड इंस्टीट्यूट बीना बाई वुमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन नासिक बीजीपीएस बहुत अमेजिंग कॉलेज है टारगेट कीजिएगा इनके मराठी मीडियम को एंड इवन अगर आप इलसी के थ्रू जा रहे हो तो भी इनके इंग्लिश मीडियम को जरूर टारगेट कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय ग्रामीण पुनर रचना संस्था बी एड कॉलेज एट औरबाद एंड दी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन्स एट कुर्दुवाड़ी एंड फ्रॉम द पुणे रीजन एस एनडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे महर्षि करवे विद्या विहार करवे रोड जो कि यूनिवर्सिटी मैनेज एक अनएडेड कॉलेज डिपार्टमेंट है भाई थर्टी सीट से यहाँ बी एड स्पेशल लर्निंग डिजाइबिल

वही अगर मैं स्पेशल एजुकेशन को लेकर बात करूँ देलमोस्ट फिफ्टी थाउजेंड तक इनकी फी स्ट्रक्चर है सो so, अब आते हैं प्लेसमेंट को लेकर सो so, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है इतना अच्छा रिपो है इनके के से लेकर पी तक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं सो so, भाई जहाँ बी है इसका मतलब वहाँ स्कूल्स भी है उन्हीं स्कूल्स में आपको जॉब भी मिल सकता है इंटर्नशिप भी आपकी वहीं होती है और अप्रॉक्स ट्वेंटी के टू थर्टी फाइव के आप इनहैंड सैलरी पर मंथ ग्रैप कर सकते हो अगर आप कुछ टॉप इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हो एंड इवन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हो दैन फोर्टी टू फिफ्टी के पर मंथ आपको इजीली मिल सकता है सो so ओवरऑल ये मान के चलो कि भाई 3.5 से लेकर 6 लाख पर तक का पैकेज आपको मिल सकता है अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहे हो सो so ओवरऑल आज की वीडियो में इतना ही कैसी लगी इस वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पसंद आ गई हो तो लाइक करना और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और हाँ अगर प्रिपरेशन करना है फॉर बी एड सी एंड जॉइन ईल एट जॉइनस घाट को स्टूडें इंट्रैक्ट लाइव विथ एस कॉल ऑन एट थ्री थ्री एट वन एट 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 डोट फॉर गेट टाउनलोड अवर एप व यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस और सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना फॉलो फॉलोस ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एंड टेलीग्राम दैट्स ऑल गाइस फॉर योर करियर सी यू द नेक्स्ट वीडियो